नमस्कार, मैं काजल। स्वागत है आपका BHU पाठशाला में। मैंने अपने होम साइंस की पेड क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टेक्ट करिए। और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी काउंसलिंग करानी है, आप उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। और कैसे ज्वाइन करें आपको पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका BHU पाठशाला में। मैं आपकी मेंटोर काजल पांडे, मैं आपको पढ़ाऊंगी होम साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप होम साइंस का सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है NTA की वेबसाइट से, वहां से मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका होम साइंस का यूनिक कोड है HUQP11, ठीक है? आप इसी से ही फॉर्म भरेंगे, ओके? आप ये कोड देख लेंगे, मैच कर लेंगे, देन आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ओके? ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ओके? जिसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। ये बाइलिंगुअल होगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारा है सिलेबस, ओके? इसके 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें बाकी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है? हमारा पहला टॉपिक, पहला यूनिट है होम फूड साइंस, ठीक है? होम साइंस का जो पहला टॉपिक है वो है फूड साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस, ओके? जिसमें हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, एडिकेट्स ऑफ डाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें हम एडिकेट्स वगैरह, बैलेंस डाइट वगैरह पढ़ेंगे, ओके? फिर उसमें कुकरी, मतलब हाउ टू कुक सारे फूड्स जो होते हैं, मतलब कैसे हम पकाए खाना, उसको प्रिजर्व कैसे करें, मतलब कि प्रिजर्वेशन, ओके? फिर फूड एडल्ट्रेशन, मतलब जो खाद्यान्नों में जो मिलावट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हमारे लिए कैसे हानिकारक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके? एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरल, ये जो न्यूट्रिशन का जो एलिमेंट्री नॉलेज है, जिसमें बैलेंस डाइट भी आता है, बैलेंस डाइट ही आता है इन जनरल। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ओके? हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन में आता है बैलेंस डाइट आता है, एडिकेट्स डाइट आता है, और भी तीन चार मतलब बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आते हैं, जो मैं आपको आगे के वीडियोज में पढ़ाऊंगी, ओके? फिर उसमें आता है डेफिशियंसी डिजीज, ओके? इसके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, किस खा तो डिजीज में, जो मेनली डिजीज में कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें इंटेक्ट करना चाहिए, कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये डेफिशिएंसी डिजीज में बताएंगे, ठीक है? और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद से ह्यूमन एनर्जी, कौन कौन से फूड से हमें कौन कौन सी एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीजें मिलती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। BMR के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से उसका कम्युनिटी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ओके? उसके बाद से है आपका साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ थेरापेटिक डाइट्स एंड डाइट्स फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके? नेक्स्ट है हमारा होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट, ठीक है? सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके आगे की वीडियोस में जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो उसके बारे में जो भी मैं आगे की वीडियोज बनाऊंगी, मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है? फिर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। और टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, कि मतलब हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को करने में अपनी एनर्जी कहाँ लगा सकते हैं, सही जगह लगाएं। फिर मनी का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं हम आपको उसमें पढ़ाएंगे, ओके? वर्क सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें है कि हम अपना कोई भी काम कैसे सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल तरीके में। मतलब होता है ना कि हमारी आदत होती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं, तो वो कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिसके लिए आप कम एफर्ट्स भी डालोगे ना तो वो काम हो जाएंगे। तो हम ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ओके? फिर सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे,
फिर हाउस होल्ड परचेजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन ऑफ हाउस। हमारा जो हाउस में इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन होता है वो हम कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड इक्विपमेंट में के बारे में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केट, ये हमारा जनरली आपके ग्रेजुएशन में ये सिलेबस होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब मुझे लगता है कि आप में से काफी बच्चों को ये सारे टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है ये इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्सटाइल, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन इंडिया, मतलब जो भी हमारे कॉस्ट्यूम्स अभी तक आए हुए हैं वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे जो भी मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी साइकिल चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर वेरियस पर्पस, मतलब हम अपने फैब्रिक्स का कैसे सिलेक्शन करते हैं, विभिन्न तरीकों में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से है हमारा फैमिली क्लोथिंग है, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज है, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, इसका स्टोरेज कैसे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स एंड इट्स केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग, ये चीजें पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है ये भी काफी अच्छा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइंग एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ फैब्रिक, जो इसकी लॉन्ड्रिंग डाइंग होती है, लॉन्ड्रिंग होती है फैब्रिक्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगी, जो मैं स्टार्ट करूंगी सिलेबस वाइज, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल सिलेबस होगा पूरा, एक एक टॉपिक में एकदम लाइन से पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी प्री स्कूल एंड स्कूल हाइजीन, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस नॉर्मल, वेरियस मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी, ठीक है, जितने भी विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रक्रियाएं हैं, मेथड्स हैं चिल्ड्रंस के, चिल्ड्रंस स्टडी के, वो पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एंड फैमिली, ठीक है, और उसके बाद से पढ़ेंगे पेरेंट्स एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस रहा है। ठीक, तो उसमें हम पढ़ेंगे नीड्स पढ़ेंगे, स्कोप एंड फिलोसफी पढ़ेंगे, और फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ओके, मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसकी विधियाँ क्या क्या होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। ठीक, रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है, जो ऑडियो विजुअल एड्स के क्या प्रोसेस होते हैं टीचिंग मेथड्स में, क्या क्या यूज किया जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इट्स ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री एंड रिलेशन टू रूरल डेवलपमेंट, ये जितने भी प्रोग्राम्स है ना, मेनली आपको सबको ये प्रोग्राम्स जरूर याद रखना है, इसको आपको रटना है। ठीक है, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, पहले हम रूरल पढ़ रहे थे, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम्स आपको रटने हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आखिरी यूनिट है एडल्ट एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है आपका एडल्ट एजुकेशन इट्स हिस्ट्री इम्पोर्टेंस एंड इन लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, किसी ये ग्रेजुएशन में भी है, ये आपके 10th 12th में भी है, पंचायती राज सिस्टम होता ही होता है, और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो, तो आप प्लीज मतलब इस नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं,